कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी, जहां पर्यटक के साथ साथ स्थानीय लोग आए दिन जाम में फंसे रहते हैं। तीज त्योहारों में जाम की स्थिति ऐसी रहती है कि घंटों समय व्यतीत करने के बाद भी पर्यटक शहर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस जल्द ही अपनी यातायात व्यवस्था में बदलाव लाने जा रही है। शहर में जाम के प्रमुख स्थल मुहाकी चौराहा, मंगल पांडवा, सिंधी चौराहा और काला ढूंगी चौराहा, इन सभी जगहों न सिर्फ अतिक्रमण हटाया जाएगा बल्कि मलंग पड़ाव से डिग्री कॉलेज तक सड़क में बने कट बंद किए जाएंगे। इसके अलावा रोड रिफ्लेक्टर और रबर ब्रेक समेत रेड लाइट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। एसएसपी सुनील कुमार मीणा के मुताबिक पिछले कई महीनों से यातायात पर चल रहे मंथन के बाद नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। देखिए, हल्द्वानी और नैनीताल में दोनों जगह हम लोग ट्रैफिक को लेके डीएम साहब से भी हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। हमारी जो ट्रैफिक कमेटी है उसकी भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसमें कई लेवल पे प्रयास किया जा रहा है। इसमें कमिश्नर साहब ने प्राधिकरण के माध्यम से भी कई जगह के लिए फंड रिलीज किया है। इसमें जितने भी हमारे अवांछित कट हैं उनको बंद किया जा रहा है। ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था हम लोग करेंगे। जो कई चौराहे हैं जिनको चौड़ा किया जाना जरूरी है, उनको चौड़ा किए जाने की भी कार्रवाई चल रही है।